हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज होने वाली हॉलीवुड की दो बड़ी मूवी के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जिसमें दोस्तों ओपनहाइमर मूवी के 7 दिनों के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करेंगे। वहीं दोस्तों मिशन इम्पॉसिबल मूवी के 15 दिनों के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लेते हैं शुरू। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनहाइमर मूवी के 7 दिनों के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं दोस्तों इस मूवी का बजट था 100 मिलियन डॉलर। अगर दोस्तों इस मूवी के बजट को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो इस मूवी का बजट था 815 करोड़ रुपए। अगर दोस्तों इस मूवी की कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 14 करोड़ 55 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं दोस्तों दूसरे दिन इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 17 करोड़ 30 लाख रुपए कमाए थे और तीसरे दिन इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 18 करोड़ 40 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं दोस्तों चौथे दिन इस मूवी ने 7 करोड़ रुपए कमाए थे और पांचवें दिन इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ 35 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं दोस्तों इस मूवी ने छठवें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। अगर दोस्तों इस मूवी के सातवें दिन के कलेक्शन की बात करें, आज के कलेक्शन दोस्तों, आज ये मूवी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन कर रही है। वहीं दोस्तों इस मूवी के 7 दिनों के टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लें तो अभी तक इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 75 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया पहले 7 दिनों में। वहीं दोस्तों अभी तक इस मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लें तो अभी तक इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1950 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। कि दोस्तों जहां इस मूवी का बजट था 815 करोड़, वहीं दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट मूवी साबित हो चुकी है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं मिशन इम्पॉसिबल के 15 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों मिशन इम्पॉसिबल मूवी को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1200 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं दोस्तों इस मूवी का बजट था 290 मिलियन डॉलर यानी दोस्तों इस मूवी के बजट को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो इस मूवी का बजट था 2364 करोड़ रुपए। अगर दोस्तों इस मूवी के कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ 10 लाख रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं दोस्तों इस मूवी ने पहले वीकेंड में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 63 करोड़ 92 लाख रुपये का कलेक्शन किया था। अगर दोस्तों मिशन इम्पॉसिबल मूवी के पहले हफ्ते के कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने पहले हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं दोस्तों दूसरे हफ्ते में इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। अगर दोस्तों इस मूवी के बजट के कलेक्शन के हम 15 और 16वें दिन कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों इस मूवी ने 15वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 50 लाख रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं दोस्तों इस मूवी ने 16वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर यानी दोस्तों आज ये मूवी 1 करोड़ 20 लाख रुपये का कलेक्शन कर रही है। तो वहीं दोस्तों मिशन इम्पॉसिबल मूवी के 16 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों इस मूवी ने अभी तक 16 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ 30 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वहीं दोस्तों अभी तक इस मूवी ने 16 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 3170 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। दोस्तों इस मूवी का बजट था 2364 करोड़, तो ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एक हिट मूवी साबित हो चुकी है। लेकिन दोस्तों ये मूवी ज़्यादा बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित नहीं हो पाई है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी ने अपने बजट के ज़्यादा बजट से 1.5 गुना ही ज़्यादा कमाई कर पाई है। तो देखते हैं ये मूवी लाइफ टाइम कितना कलेक्शन करेगी। लेकिन दोस्तों आप कमेंट करके बताएं, अगर आप हॉलीवुड की मूवी को पसंद करते हैं या दोस्तों ये हॉलीवुड की मूवी को देखते हैं तो दोस्तों आप किसको सबसे ज़्यादा बेस्ट मूवी कहोगे, तो दोस्तों कमेंट करके बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।